गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 10 झंडा ऊंचा रहे हमारा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। तो जो गीत है वो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे छन छन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य हम अब चल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बल जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो वह प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत को लिखा है श्यामलाल प्रसाद ने, जो आपके झंडा ऊंचा रहे हमारा पाठ में लिखा हुआ है। कवि ने इस गीत जो गाया हुआ है, गीत लिखा हुआ है कवि ने, तो उसमें हमारा विश्व विजय के प्रतीक के रूप में तिरंगे झंडे के गौरव का वर्णन किया है। कवि की हार्दिक इच्छा है कि सारे दुनिया में जीत प्राप्त करने वाला हमारा तिरंगा हमेशा सबसे ऊंचाई पर फहराता रहे, हमेशा शक्ति का प्रेरणा स्रोत, प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला, वीरों को प्रसन्न करने वाला एवं मातृभूमि के लिए तन तथा मन के समान प्यारा यह तिरंगा सदा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर शान से फहराता रहे। आजादी के संग्राम को देखकर देश में वीरों का जोश हर क्षण बढ़ता जाता है तथा उसके जोश को देखकर दुश्मन जो भयभीत होकर के मन ही मन कांपने लगता है एवं जो सब प्रकार के डर तथा मुसीबतों को समाप्त करने वाला है, ऐसा हर क्षण हमारे जीवन में जोश तथा उमंग का संचार करने वाला प्रिय तिरंगा सारी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर हमेशा फहराता रहे। इस झंडे के नीचे रहते हुए निर्भय होकर हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य पर डटे रहें। आओ भारत माता की जय बोलते हुए हम प्रतिज्ञा करें कि स्वतंत्रता प्राप्त करना ही हमारा सबसे ऊंचा उद्देश्य है। संगठन तथा निडरता का प्रतीक तिरंगा सारी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लहराता रहे। भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की यदि बाजी लगानी पड़े, प्राण न्यौछावर करने पड़े, तब भी हमें इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी हम देश को आजाद करवाएं। यही इस तिरंगा, यही तो हमारी शान का प्रतीक है। यह सभी एक स्वर में कहें, हमारा भारत देश है। समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता रहे। इसलिए सभी मिलकर के गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक इस झंडे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। भले ही इसके रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े, जब हम वास्तव में
विजय प्राप्त कर लेंगे, देश आजाद हो जाएगा, तभी हमारा प्रण पूरा होगा। तो बच्चों ये जो गीत है हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है, हमारा तिरंगा विश्व में हमेशा लहराता रहे, ऊंचाइयों को छुए, यही कवि की गीत के माध्यम से कवि कहना चाहता है। धन्यवाद, इस गीत को आपको पढ़ना है।